मंडला में पुलिस प्रशासन के बाद अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी नशे के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रैली निकालकर नशे के दुष्परिणामों को बताते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। मंडला जिले के आखिरी छोर में बसी मवई विकास खंड के ग्राम पंचायत बहान मंडा में बड़ी संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता एवं ग्राम शांति विवाद निराकरण समिति के सदस्यों ने रैली निकालकर ग्रामीणों को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने की समझाइश दी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रविकांत पंद्रे ने ये कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में युवा नशे की लत के आदि होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा न सिर्फ उन्हें बल्कि परिवार को भुगतना पड़ रहा। युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर रैली निकाली है और ग्रामीणों से सभी तरह के नशे से दूर रहने की अपील की। ये जो कल हम जो रैली किए थे ग्राम पंचायत पौड़ी बाहर मुंडा के जो पेशेक्ट के तहत जो शांति विवाद निवारण समिति के तमाम सदस्य के द्वारा हम एक दिन पहले यहाँ पर हम लोग एक प्रस्तावित किया गया था कि यहाँ पर हमारे जो पंचायत सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का बिक्री की जाती है, जिससे गाँव के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो शराब की लत में हैं और जिससे उनके जो भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ स्थिति निर्मित हो रही है। इसलिए हम जो अवैध रूप से जो शराब बेचने का जो काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए हम लोग पूरे गांव के लोग एक चिंतन मनन करके जो है हमने पूरे गांव में वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 2 तक जो है हम लोग एक जागरूक रैली के तहत हमने लोगों को संदेश दिया है कि इस तरह से जो है अवैध शराब की बिक्री न की जाए। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।